वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कमल्स किचन। टुडे आई मेक अफगानी स्ट्रीट फूड, जो अफगानी विलेज फूड। विलेज फूड ये विलेज में बनाई जाती है, और जो है ये मैं जो अफगानी जो उन्होंने से उन्हीं से मैंने नेबर से उन्होंने सीखी है ये रेसिपी। तो ये स्टफ़ड बेल पेपर्स है, और ये चावलों के साथ इसमें स्टफ़ करते हैं। तो ये इसको अफगानी लैंग्वेज में इसको अफगानी डोलमा कहते हैं। तो ये इसके लिए देखें, ये मैंने 5 से 6 अदद शिमला मिर्चें ली हुई हैं, और इसको ऐसे काट लिया है, ऐसे ऐसे काट लिया है इसके, और अंदर से बिल्कुल खाली कर लिया है। तो इसके अलावा ये 2-3 ऑनियन चॉप है, स्मॉल ऑनियन, और हरी मिर्च है, हरा धनिया है। इसके अलावा ये टमाटो पेस्ट है 4-5 टेबल स्पून, और ये क्योंकि मैं इसका मसाला भी बनाऊंगी, तो इसलिए टमाटो पेस्ट मैंने टमाटो का मसाला भी बनाऊंगी, तो ये इसलिए। और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1-1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ब्लैक पेपर है 1 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, और ये राइस है 1 कप राइस, और ये 1 टेबल स्पून तक क्रश रेड पेपर है, और 1.5 टीस्पून तक रेड पेपर पाउडर है, और 1 टेबल स्पून ये मैं इसमें क्रश रेड पेपर कीमे में डालती हूँ मैं, तो मैं क्रश रेड फ्लेक्स जो है मैं डालूँगी इसमें। और अनियन को पहले सबसे पहले राइस को बॉयल करेंगे, ये 1 कप राइस जो मैंने लिया है इनको बॉयल होने रख देती हूँ, और ये जो है ऑनियन, फिर इसका ये कीमा मैं जो है फिर मैं आपको कीमा किस तरह बनाना है, हाँ कीमा मैं आपको बताती हूँ। ये कीमा मैंने धो के और इसको करने के लिए रखा हुआ है। तो ये 1 kg बीफ कीमा है, 1 kg बीफ मीन्स, एंड दिस इज ऑल द इंग्रेडिएंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी मैं बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है, और फिर इसको दी फर्स्ट स्टेप इज फर्स्टली बॉयल दी वाटर एंड ऐड वो राइस, ऑलरेडी वॉश एंड सोक दी राइस, ऐड एंड बॉयल दी राइस, फर्स्टली बॉयल दी राइस, फर्स्ट स्टेप इज बॉयल दी राइस एंड देन मेड दी मिंस मसाला एंड टमाटो मसाला एंड देन ऐड दी बेल पेपर, जो स्टफ़ड बेल पेपर। तो ये मैंने पानी बॉयल करने रख दिया है इसमें, और ये मैंने धो के और अच्छी तरह वॉश करके जो है ये चावल रख दिए हैं, और मैं अब पानी बॉयल कर रही हूँ, इसमें चावल बॉयल करूँगी मैं अभी। तो ये फर्स्ट स्टेप है।
इन दी लो मीडियम फ्लेम, हाई मीडियम फ्लेम, कुक इन दी हाई मीडियम फ्लेम कुक, देन ऐड दी जिंजर गार्लिक पेस्ट एड वन टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड देन एड एड इन दी राइस एंड ऑल मसाला टमाटो पेस्ट एंड स्टफ्ड दी बेल पेपर्स और हमने इसको इसमें भरना है शिमला मिर्च क्योंकि शिमला भरी मिर्चें में कीमा भरी शिमला मिर्च बना रही हूँ आज ये अफगानी स्टाइल में। वैसे तो हमारे यहाँ भी ये बनती है स्टफेड बेल स्टफेड शिमला मिर्चें स्टफेड बेल पेपर्स ये बनती है हमारे यहाँ भी सिर्फ लेकिन सिर्फ कीमे में। लेकिन मैं ये जो है अफगानी वेज फूड आज बना रही हूँ ये किसी से मैंने सीखी है किसी अफगानी से सीखी है रेसिपी ये उनके विलेज में बनाई जाती है। लेट जो है कवर करके अभी पकने देती हूँ इसमें मैंने टमाटो पेस्ट भी डालना है और दही भी अभी डालती हूँ अभी डालने लगी हूँ बस वो डाल के और फिर मैं आपको बताती हूँ।
ये टमाटर पेस्ट डालने लगी हूँ। दही मैं खुद अपने पास से कुछ अपना वो भी डाल रही हूँ, दही भी, वरना वो सिर्फ टमाटर ही डालते हैं वहाँ पे, टमाटर डालते हैं दही नहीं डालते, लेकिन मैं जो है दही भी डालने लगी हूँ इसके अंदर। और ये लिड कवर कर दूँगी, मिक्स करती हूँ थोड़ा सा, और ये पकने लगती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने अब जो है ये ऐड कर दिया, पक रही है तो मैं अब ये दही शामिल करने लगी हूँ इसमें। ये देखिए ये दही अब शामिल कर दी है इसमें। और थोड़ा सा चमचा लगा के फिर ये डन होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल खुश्क कर देना है इसको, पानी खुश्क, कुक टिल वाटर कंप्लीटली ड्राई एंड कुक बीफ मिंस डन। पूरी पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो फिर इसको, और भी मैं डालूंगी इसमें, क्यूमन सीड्स भी डालूंगी मैं अभी, भून के रखती हूँ मैं खुद उसको, रोस्टेड क्यूमन सीड्स, एड रोस्टेड क्यूमन सीड्स ऑल्सो इन दी बीफ मिंस। कवर द लिड एंड कुक टिल डन। अब मैं ये सारी जो है एक बाउल में शामिल करने लगी हूँ, चावल और ये थोड़ा सा कीमा मैंने बचाया है उसमें से, और फिर बाकी मैं ऐड कर दूंगी। ये जो है कीमा ऐड कर दिया है और ये थोड़े से चावल ऐड कर दिए हैं इसमें। ये और बाकी के मसाले भी ऐड करके मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने 1 कप चावल जो है बॉईल कर लिए थे आपके सामने, तो अब मैं ये ऐड करने लगी हूँ इसमें। ये ऐड कर लिए हैं, मैं देखूंगी तो फिर बाकी के मैं और ऐड कर लूंगी इसमें। ये मिक्स कर लेना है इनको। और अच्छा मैं
वैसे जो है अक्सर चाट मसाला तो नहीं डालते, लेकिन मैं इसमें आपको पता है मैं अपनी रेसिपीज में जो है वर्जन इस तरह करती रहती हूँ। मुझे चाट मसाले का जायका भी बहुत पसंद होता है, तो मैं जो है 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ये 1 टीस्पून तक चाट मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और इसके अलावा मैं हरा धनिया हरी मिर्चें भी डालूंगी इसके अंदर। ये देखें ये चाट मसाला मैंने शामिल कर लिया 1 टीस्पून तक चाट मसाला इसमें शामिल कर लिया। हरा धनिया हरी मिर्चें, और ये फिर मैं आपको को जो है फिलिंग करके दिखाऊंगी कि इसको कैसे फिलिंग करना है। ये और मिक्स करना है इनको, थोड़ा सा कीमा मैं और ले लेती हूँ, और फिर मैं आपको जो है फिलिंग करके दिखाती हूँ। वैसे ठीक है, इतना तो सही है। हाँ थोड़ा सा कीमा और मैं ले लेती हूँ इसमें, थोड़ा सा भी हो जाए। ये मैं अभी वहां से पड़ा हुआ था वहां से डालती हूँ, थोड़ा सा कीमा और ले लेती हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें थोड़ा सा कीमा भी मैंने शामिल कर लिया है इसमें, और ये थोड़े से और हरी मिर्चें हरा धनिया चाट मसाला और एक और मेरी पसंदीदा जो है ये एक और है ये पेरी पेरी सीजनिंग, ये भी ज़्यादा नहीं डालनी है। आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, पेपरिका पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैं इसमें कीमा मैंने बचाया है, मैं कीमे में भी इसको फिलिंग को मैं पकाऊंगी। तो ये थोड़ी सी फिलिंग मैंने ऐसे तैयार की है जो फिलिंग मैंने शिमला मिर्चों में करनी है, और बाकी मैंने जो है कीमा बचा लिया, तो कीमा जो है थोड़ा सा मैं उसमें भी रखूंगी। तो अब मैं आपको एक फिलिंग मैं बता देती हूँ, ये अब थोड़ा ठंडा हो गया है, ठंडा हो गया तो मैं एक फिलिंग जो है इधर बता देती हूँ। तो ये एक चम्मच लिया, और ये देखें ये मैंने इस तरह शिमला मिर्च का ये लिया था, तो थोड़ा सा ये मैं कैमरा आगे करूँ तो फिर मैं बता दूँगी। ये इसमें मैं अब फिलिंग भरने लगी, जहाँ तक भरी जाए। ये देखें ये इस तरह, ये पर तक ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। ये देखें ये सामने रखती हूँ मैं, नजर नहीं आ रहा होगा, ये इस तरह। ये देखें ये एक फिलिंग मैंने बना ली है, इसमें रख दी है। थोड़े प्रेस कर दें ताकि ये अच्छी तरह से फिलिंग इसमें आ जाए, और ये ऐसे इसको फिर कवर कर देना है। तो ये एक मैंने आपको बता दी है, तो ये मैं इधर रख देती हूँ। बाकी इस तरह और भी फिलिंग मैं बनाती हूँ, जिस तरह ये फिलिंग है, अब इसे दूसरा मैं फिलिंग जो है बनाने लगी हूँ। ये इस तरह 4-5 जो है ये इसमें फिलिंग जो है
और पकाने के लिए थोड़ी देर, ताकि शिमला मिर्चें अभी सारी बन गई थी, चार पांच बन गई हैं, तो मैंने अब इनको दम लगाने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह कीमे में, और ये देखें ये कीमे का बेस में भी कीमा रखा है थोड़ा सा, और फिर मैं दही में भी, और आपको टमाटो केचप वगैरह में भी इसे रख के मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी, डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो ये अभी पक रही है और मैंने ये सारी सी शिमला मिर्चें भर ली थी इसमें, और थोड़ा सा मैं अब दम लगाती हूँ इसमें, भी थोड़ा सा ये पकेगा। तो ये कवर लिड करके और कुक मोर 5 मिनट्स, 5 मिनट हो गए हैं, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ ये हो गया है। तो ये देखें ये हो गया, अभी थोड़ा सा पानी है, पानी मुकम्मल ड्राई होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और इसको डिश आउट करके सही तरीके से दिखाती हूँ मैं कि किस तरह डिश आउट करना है। थोड़ा सा कीमा डालना है और फिर दही वगैरह और टमाटो केचप या चिली गार्लिक सॉस के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। डिश आउट करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अभी ये हो रहा है, और मैं इसको मज़ीद जो है मोर 5 मिनट्स पकाती हूँ, ताकि जो जो वाटर है वो सही तरह से ड्राई हो जाए। तो वैसे हो गया है, ये कुछ टूट गए थे तो ये इस तरह मैंने रख दिए हैं, और बाकी ये ठीक है, ये इधर वाले सही हैं। अभी डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये कीमा भरी शिमला मिर्च, या इसको अफगानी डोलमा, ये मैंने आज अफगानी जो विलेज फूड की तरह मैंने अफगानी तरीके से बनाना सिखाई है आपको। इसमें अफगानी लोग जो हैं इसमें चावल भी थोड़ा सा डालते हैं, चावल डालते हैं, कीमा डालते हैं, और फिर इसको शिमला मिर्च को इसी तरह भरते हैं। तो इसमें मैंने चाट मसाला और पेरी पेरी सीजनिंग अपनी भी डाली है, और इसमें ये थोड़े से कीमे में, अब मैं इसको कीमा नीचे मैंने रख दिया था, कीमे में अब मैं पका रही हूँ इनको शिमला मिर्चों को। वैसे जो अफगानी लोग हैं वो टमाटर के मसाले में प्याज टमाटर प्याज लहसुन टमाटर का जो टमाटर का मसाला होता है उसमें ये लोग बनाते हैं, सिर्फ सिंपल सी बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें कीमे में ही डाल दिया था, मैं जो है अपने तरीके से बना रही हूँ। वैसे वो लोग जो हैं सिर्फ वो जो टमाटर का मसाला बनाते हैं, वो टमाटर का सिर्फ मसाला होता है, उसमें सबसे पहले अनियन डालेंगे, अनियन को फ्राई करेंगे, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं, और फिर और थोड़ी सी सीलिंग डालते हैं, ब्लैक पेपर और नमक डालते हैं बस, और फिर और टमाटर डालते हैं काफ़ी सारे, 3-4 अदद टमाटर जो होते हैं, मैंने आज टमाटर पेस्ट यूज़ किया है, वैसे वो लोग टमाटर यूज़ करते हैं 4-5 टमाटर, और उसका सॉस सा बना के ना फिर उसमें ये डालते हैं। शेयर माई रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हिट दी नोटिफिकेशन इन बेल। और मैं अपने इंस्टाग्राम में भी पिक्चर्स जो है पिक्स जो है अपने कुकिंग जो भी मैं बनाती हूँ उसकी कुकिंग पिक्स मिल जाती हैं आपको, तो उसको भी इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, और फेसबुक ग्रुप को भी मेरे फॉलो करें, वहाँ पे भी मेरे जो हैं वो मेंबर्स हैं काफ़ी, फेसबुक ग्रुप है मेरा, तो उसमें भी मैं अपनी पिक्स जो है डालती रहती हूँ, तो उसको भी फॉलो करें। ये और अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ये देखें तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूंगी। ये हो गया, मैंने थोड़ा सा कीमा नीचे डाला है और दही डाली है, और ये टमाटो केचप डाला है, चिली गार्लिक सॉस सॉरी, और ये देखें अब डिश आउट कर लिया है मैंने, और इसको नान नान के साथ भी, अफगानी नान जो मिलते हैं अफगानी नान के साथ आप खाएं, और जो चपाती है उसके साथ भी खा सकते हैं। शेयर माई रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तस्वीरों में भी मैं आपको दिखा दूंगी ये, और आप कमेंट वगैरह भी कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं, तो उससे फिर मैं आपको और यूनिक जो रेसिपीज है मैं इस तरह आपको और बनाने को दिल करता है, फिर मैं आपको यूनिक रेसिपीज बनाना सिखाऊंगी। तो कमेंट भी अच्छे अच्छे कमेंट्स, या कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसे अगर आपको पसंद नहीं आए तो वो भी आप कमेंट कर दें, कमेंट कर दिया करें।